दोस्तों, ऑयल प्राइस कैप को लागू करने के बाद सभी पश्चिमी देश खुद को कूटनीति का महारथी समझ रहे थे। उन्हें लगा था कि ऑयल प्राइस कैप लागू करते ही रूस अपने घुटनों पर आ जाएगा और यूक्रेन युद्ध, जो कि पिछले 10 महीनों से लगातार चल रहा है, उसे ये देश मात्र कुछ दिनों में खत्म कर देंगे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुतिन चुपचाप अपना सबसे खुफिया मिशन पूरा करते रहे, जिससे उन्होंने पश्चिमी देशों को कूटनीति के मामले में पूरी तरह से मात दे दी है। ये बात सोचने वाली थी कि जहां एक तरफ पश्चिमी देश ऑयल प्राइस कैप को अपना सबसे अकलमंदी भरा फैसला मान रहे थे और इससे ही रूस को घुटनों पर लाना चाहते थे, वहीं पर रूस इसके ऊपर कुछ बयानों को छोड़कर ज्यादा कोई भी हल्ला नहीं मचा रहा था, जिस पर काफी हद तक शक भी गया कि आखिर रूस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर ज्यादा बयानबाजी क्यों नहीं कर रहा। और अब सबको पता लग गया है कि पुतिन इस मामले में क्यों चुप थे। दरअसल दोस्तों, जब यूरोपियन यूनियन और G7 पिछले 10 महीनों से ऑयल प्राइस कैप की गाइडलाइन लिखने में व्यस्त थे, तब पुतिन ने चुपचाप ईरान और वेनेजुएला की मदद से 100 से ज्यादा जहाजों का एक बेड़ा खड़ा कर लिया है, जो कि रूस का क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 से ज्यादा ऑयल टैंकर जहाजों का बेड़ा खड़ा करके रूस ने सभी पश्चिमी देशों के मुंह पर एक काफी करारा तमाचा मारा है। वहीं पुतिन ने ये बात साबित कर दी है कि केवल बयानबाजी और धमकी से कूटनीति का खेल नहीं जीता जा सकता, बल्कि इसमें जीत उसी की होती है जो सच में जमीन पर उतर के काम करता है। रूस के बयानबाजी न करते हुए इन सभी देशों के नाक के नीचे ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ मिलकर 100 से भी ज्यादा जहाजों से सशक्त ऑयल टैंकर की फ्लीट खड़ी कर दी है और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी, जो कि अपने आप में ही पश्चिमी देशों के लिए काफी शर्म की बात है, क्योंकि इस कदम से न कि केवल रूस खुद ही भारत और चीन को अपने तेल की सप्लाई करने में सक्षम होगा, बल्कि ऐसा करके रूस ने अमेरिका को भी ये दिखा दिया है कि वे अपने तेल की सप्लाई करने के लिए पश्चिमी देशों की कंपनियों के सामने बिल्कुल भी नहीं गिड़गिड़ाएंगे। हालांकि रूस ने जो नई फ्लीट खड़ी की है उसे शैडो फ्लीट कहा जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि इन जहाजों का कोई भी पेपर वर्क मौजूद नहीं है, यानी कि ये जहाज कहां से कहां के लिए रवाना हुए, इनके अंदर क्या सामान रखा है और इन्हें कहां से लोड किया गया है, इसकी कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, जो कि इन जहाजों को रूस की खुफिया फ्लीट बना देता है, जिसका इस्तेमाल करके रूस अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थमने से बचा सकेगा। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है, क्योंकि ये जहाज शैडो फ्लीट के तहत आते हैं, इसीलिए इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले ऑयल की कोई भी इंश्योरेंस नहीं की जाएगी, जिससे ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि अगर रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती है और तेल लीक होने लगता है तो एक एनवायरमेंटल क्राइसिस के साथ साथ भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ेगा, क्योंकि शैडो फ्लीट द्वारा सप्लाई किया जाने वाला तेल की कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराई जाएगी। पर हाँ, अगर रूस खुद अंदरूनी तौर पर इसकी कोई इंश्योरेंस देता है तो इससे ये डील भारत के लिए भी और ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद बन सकती है। लेकिन इसके अलावा कि शैडो फ्लीट द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले तेल की कोई इंश्योरेंस नहीं है, दूसरी कोई भी परेशानी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है, जिसका मतलब यह है कि पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एकलौता हथियार भी अब खत्म हो चुका है और भारत को इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो उस तेल को भारत तक कैसे सप्लाई किया जाएगा, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, खुफिया तौर पर तैयार की गई इस नई शैडो फ्लीट में लगभग 100 ऑयल टैंकर मौजूद हैं और ऑयल टैंकर की बात की जाए तो इनमें कई प्रकार होते हैं, लेकिन जनरल पर्पस सबसे छोटा और अल्ट्रा लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर सबसे बड़ा होता है, जिसके तहत एक जनरल पर्पस ऑयल टैंकर 70,000 से लेकर 130,000 बैरल क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये बात समझते हुए कि ये ऑयल टैंकर रजिस्टर्ड नहीं है और इन्हें ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों के साथ मिलकर जुटाया गया है, इसीलिए अगर हम मान भी ले कि ये सभी जहाज सबसे छोटे यानी कि जनरल पर्पस ऑयल टैंकर है और इनमें से हर जहाज औसतन 1,00,000 बैरल तेल ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखता है, तो इसका मतलब यह है कि रूस के पास एक बार में लगभग 10 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता मौजूद है, जिसका अगर पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो रूस भारत की तेल जरूरतों को पूरा करने में अभी भी सक्षम है, जो कि भारत के लिए काफी राहत की खबर है, क्योंकि रूस भारत को पहले ही क्रूड ऑयल पर 30-40% का डिस्काउंट दे रहा है। जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 90-100 डॉलर प्रति बैरल की है, वहीं पर रूस भारत को 65-70 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है, जो कि हमारे लिए पहले ही काफी बड़ा डिस्काउंट है। यानी कि भारत को ऑयल प्राइस कैप के तहत रूस के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर से अब जब ये बात भी साबित हो चुकी है कि रूस भारत को खुद ही खरीदा गया तेल सप्लाई करने में सक्षम है, तो भारत पश्चिमी देशों को साफ तौर पर मना कर सकता है कि हम ऑयल प्राइस कैप को नहीं मानेंगे, जिससे न कि सिर्फ भारत और रूस के संबंध मजबूत होंगे, बल्कि इससे भारत अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित कर सकेगा। दोस्तों, अब जब भारत के लिए रूस से तेल की सप्लाई की परेशानी भी हल हो चुकी है और ये बात जानते हुए कि मौजूदा समय में भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल जरूरत का 15-20% रूस से ही खरीद रहा है, तो आपके हिसाब से भारत को रूस से अपनी जरूरत का कुल कितना परसेंट तेल क्रूज से खरीदना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल
बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।